चार भाई बहन हैं, सभी लंदन में रहते हैं। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर शबनम उंगरे, वो डॉक्टर है, बहुत बड़ी डॉक्टर है वहाँ। मैं नेक्स्ट शमा उंगरे, मैं भी लंदन में रहती हूँ। इसके बाद मेरा एक भाई है डॉक्टर सुहेल उंगरे, वो भी सकाइट्री से लंदन है। और सबसे छोटा भाई साबिर उंगरे, वो भी वहाँ बिजनेस करता है। ये हम चार बच्चे डॉक्टर उंगरे के सही बच्चे हैं, और सिर्फ हम चार बच्चे हैं। आप ज़िंदगी में किसी को भी पूछो, हमेशा पूछो, अगर मेरे फादर अभी हयात होते तो वो बोलते कि मेरे चार बच्चे हैं। और जो वो अभी स्कूल में आया है वो बोल रहा है मैं मोहसिन हूँ। मोहसिन है, मोहसिन उंगरे नहीं है, वो डैडी का बेटा नहीं है। डैडी ने खुद अपने फाइल में एक स्टेटमेंट पुलिस में दिए है कि ये मेरा बेटा नहीं है। वो स्टेश पुलिस स्टेशन में दिए है कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी जो बीवी है उसके पहले शोहर का या किसी का उसका बेटा है, बट मेरा बेटा नहीं है। हम सिर्फ चार भाई बहन डॉक्टर उंगरे के बच्चे हैं, और हमने देखे हैं जिंदगी भर कि हमारे फादर ने कितने कुर्बानियाँ दिए हैं, कितनी मेहनत किए, रात दिन सोए नहीं, जो भी जितना भी कमाए सब स्कूल में डाले। आज एक पाए हमारे फादर ने हमारे रखा नहीं, सब स्कूल में दिया। हमको इतनी खुशी होती है कि उन्होंने इतने मेहनत से ये स्कूल खड़ा किए, जहाँ बच्चों लोग इतने मेहनत करते, यहाँ के टीचर इतने वफादार हैं। ये मैं बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत मुश्किल से भी बच्चों लोग का साथ दिया है, मुश्किल से पेरेंट्स का साथ दिया है, अपना काम बड़ी मुश्किल से किया है। सब ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ प्यार मोहब्बत डॉक्टर ए आर उंगरे के लिए, जो उन्होंने पर्सनली ये स्कूल में काम किया है, उनके साथ में इन्होंने हमने देखे बहुत साल। रियाना आंटी ने उनका साथ देखे, बहुत काम किए। और ये मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मेरे फादर बिजी सर्जन थे बॉम्बे में, वो बॉम्बे में ज़्यादा रहते थे। जो स्कूल का मसला था रियाना आंटी थी, आती थी हमेशा, जो भी प्रॉब्लम था स्कूल का मसला, कोई भी रुकना नहीं चाहिए। इतने सालों में स्कूल कभी नहीं बंद हुआ। मुझे लंदन में फ़ोन आते लोगों के कि प्लीज़ हमारी हेल्प करो, ये पता नहीं स्कूल फर्स्ट टाइम बंद हुआ है। और हालांकि बेचारे यहाँ के लोग ने बहुत सुलह की कोशिश किए है कि हम समझा के सुलह के हम ये स्कूल चलाएंगे, बच्चों लोग को पढ़ने दो, बट स्कूल पे ताला लगा है। उस वजह से मैं खास आई हूँ लंदन से कि ये स्कूल जो ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम बंद है, लोगों को कितना दुख होता होगा, बच्चों को कितना दुख होता है, टीचर लोगों को कितना दुख होता है, गांव वाले को कितना दुख होता है। ये बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। जिसको भी चलाना है, जो लीगल तरीके से है, आप अप्लाई करो, बट स्कूल को बंद मत करो, एजुकेशन को मत रुकाओ, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट का मेन मकसद है कि यहाँ एजुकेशन होना चाहिए लड़कों के लड़कियों के, हमेशा जारी रहना चाहिए। और ये चलते रहेगा क्योंकि ये कोशिश जारी है कि ये स्कूल ऐसे ही चले, पहले से और ज़्यादा अच्छे से चले, और सब लोग मिलके ये कोशिश करेंगे।